अब एक बार फिर से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में फजीहत हुई है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, वहाँ पर अभी की न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक कि हमारे शायकीन को स्टेडियम से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। पाकिस्तान की औकात खुद वो देश बता रहा है जिसे पाकिस्तान बाप समझकर सपोर्ट करता है। हमारे पाकिस्तानी फलस्तीन का झंडा लेकर पहुंच गए, तो इस जिस पर ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम से उनको धक्के मारते हुए बाहर निकाला गया है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं पाकिस्तान को हम एशियन टाइगर बना सकते थे, अल्लाह ताला वो तो हम नहीं बन सके मगर एशियन बिल्ली बनने से बच जाए तो बहुत बेहतर। बाबर आजम प्लस जितने भी प्लेयर पाकिस्तान के आए हुए हैं किसी की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान धमकी दे इसराइल को और वो ये जंग रुकेगा। ये जो स्पोर्ट्स है इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, ऑल लाइव्स आर इक्वल और इसमें फ्रीडम जो है वो हर इंसान का हक है। ऑस्ट्रेलियन ने भी इंडिया के झंडे लहराए थे लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है तो वो थू थू करते हैं कि निकलो निकलो निकलो, लेकिन इंडिया के लिए नहीं करते। कब तक हम अपने बेगुनाह बहन भाई माँ बेटे बच्चे उधर शहीद करवाते रहेंगे। वो जो मुद्दी है वो एक चाय वाला है, उसने मुल्क की मईशत को कहाँ पहुँचा दिया, इसलिए कि वो अपने बच्चों की लाइन लेके तो नहीं बैठा हुआ ना कि मेरे बाद वो उसके बाद वो पैदा होगा तो वो आ रहा है। यूएन के अंदर जब वोटिंग हुई इसराइल और फलस्तीन की तो इसराइल के खिलाफ इंडिया ने वोट दिया, पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिया। पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती की है लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी में दम नहीं है उनको जवाब देने के लिए। आज उस ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती की है लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी में दम नहीं है उनको जवाब देने के लिए। किसी के अंदर दम नहीं है क्योंकि वहां से पैसा नहीं आएगा ना भाई, वहां से कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया को ये जितना भी बुरा बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया वाले तो वो तो इनको भाई मक्की की नजर से नहीं देखते, तो इनकी क्या औकात है वहां पर। हिंदुस्तान के आगे भी इनकी कोई औकात नहीं है लेकिन मसला यहां पर है कि भाई बुराई करके पैसा जो कमाना है, बुराई करके स्क्रीन पे जो दिखाना है, अपनी अम्मा को भी दिखाना है, अपने अब्बा को भी दिखाना है कि हाँ भाई ये देखो मैं स्क्रीन पे आके हिंदुस्तान की बुराई कर रहा हूं। तो कहने का मकसद ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया जिसका मुंह में लेके पूरा पाकिस्तान घूम रहा था जब फाइनल हारा हिंदुस्तान, आज वही ऑस्ट्रेलिया कहता है कि बाबर आजम जो है वो घंटे का प्लेयर है। बाबर आजम प्लस जितने भी प्लेयर पाकिस्तान के आए हुए हैं किसी की कोई औकात नहीं है, और प्लस उसने बहुत सारी कंट्रियों को मेंशन किया है कि ऑस्ट्रेलिया से जीतने की इनकी औकात नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को अगर किसी ने हराया है या हरा सकता है तो वो हिंदुस्तान है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, वहाँ पर अभी की न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक कि हमारे शायकीन को स्टेडियम से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। इसके पीछे एक वजूहत बताई जा रही है, हमारे शायकीन को मना किया गया आपने फलस्तीन का झंडा नहीं उठाना, इससे पहले उसने ऑस्ट्रेलिया ने हमारे लिए अल्कोहलिक पाक चीज़ें रखी गई, हलाल सर्टिफाइड चीज़ें हमारे लिए रखी गई कि मुसलमान हैं हराम चीज़ें नहीं खाते, शराब से पाक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं और वो जिस चीज़ से मना कर रहे हैं हम उन चीज़ से मना नहीं हो रहे और हम अपनी की जा रहे हैं कि जो कि हमारा दिल कर रहा है। क्या लगता है कि आपको क्रिकेट के अंदर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या क्रिकेट को इन सारी चीज़ों से पाक रखना चाहिए? नहीं, क्रिकेट के अंदर इस तरह की चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए जिस तरह की नारेबाजी वगैरह, लेकिन जिस तरह का उस्मान ख्वाजा ने प्रोटेस्ट किया है वो बिल्कुल जायज़ था, और ऐसे अगर बैनर अगर लेके जाएँ स्टेडियम में तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह आल लिव्स आर इक्वल उसने शूज़ पे भी लिखवाया और जो उसने बयान भी दिया, ब्लैक पट्टी उसने बाजू पे अपने बांधी रखी 4 दिन का जो टेस्ट मैच था। अदरवाइज जिस तरह के मुसलमान हैं आजकल के, करते कुछ हैं नहीं, अमली तौर पर कुछ भी नहीं है लेकिन सिर्फ बातों के तौर पर ही हैं, तो वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं। जिस तरह कोऑपरेट कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, अल्कोहलिक फ्री एक अलहदा ब्लॉक बनाया पाकिस्तानी शायकीन के लिए ताकि वहाँ जो अल्कोहलिक चीज़ें हैं वो ना हों, ताकि मुसलमानों की जो उनको बिल्कुल कोऑपरेट किया, लेकिन जो हैं पाकिस्तानी चले जाएं या कोई और मुस्लिम आ जाएं, फलस्तीन की बात आती है कुछ ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, लेकिन लिमिट में रहना चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए प्रोटेस्ट लेकिन एक लिमिट में रह के। आप क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने उसने ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा किया कि शायकीन को बाहर निकाल के? नहीं, उन्होंने बहुत गलत किया है क्योंकि फलस्तीन का झंडा अगर ले भी आए थे तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं था, क्योंकि झंडा तो दूर की बात है, झंडा दूर की बात, झंडा नहीं लेने के आने दिया उन्होंने। 3-4 वो वर्डिंग थी जिनके अंदर ब्लैक सबज और वाइट कलर के, रेड कलर के उन्होंने बैनर में के अंदर लिखवाया था जो कि कोट हो रहा था फलस्तीन के झंडे को, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को भी ये बात बुरी लगी जी, इस वजह से निकाला नहीं किया। बिल्कुल गलत किया है ये।
गलत, अगर जहाँ तक वो कलर्स की बात है ना, झंडे के कलर जो ब्लैक रेड एंड जो वाइट कलर था, वहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह नारेबाजी सुनने में आ रही है कि उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पे नारे लगाए फलस्तीन के हक में, वो गलत था। तो ऐसी चीज़ें स्टेडियम में अलाउ होती भी नहीं और ना ही होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वालों ने इतना प्रोटोकॉल पाकिस्तानियों को दिया कि जब वो आए तो स्टेडियम में भी, इवन जहाँ जहाँ वो मतलब रह रहे थे आ रहे थे, वहाँ वहाँ उन्होंने अल्कोहल से पाक हर चीज़ उन्होंने हराम निकाल के हलाल पाकिस्तानियों को दी। जब उन्होंने इतना उनको प्रोटोकॉल दिया, इतना उनके साथ किया, तो जब उन्होंने पहले कहा कि मजहबी है, इस तरह की कोई चीज़ स्टेडियम में मत करिएगा, फिर भी करना, तो आपको नहीं लगता गलत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं। अगर हम अपने देखें, हम हराम नहीं खाते, ठीक है, हम आराम नहीं खाते, उन्हें पता है कि ये आराम नहीं खाते, और अगर वो रखेंगे हम वहां बैठेंगे नहीं, ये तो उनकी मजबूरी है। और राम मजहब, मजहब के पे तो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हराम और मजहब पे तो कंप्रोमाइज नहीं है, ना हम आराम खा सकते और ना हम अपने मजहब से जुदा है। फलस्तीनी हमारे बहन भाई हैं, हम उनके लिए जो भी फॉर्म है, चाहे वो एक UNO है, जहां भी है, वहां पे जिधर भी हमें मौका मिलेगा, हम अपने मुसलमान भाइयों की, चाहे वो कश्मीर है चाहे वो फलस्तीन है, हम उनकी आवाज बुलंद करेंगे। सर, लेकिन दुनिया नहीं मानती ना, दुनिया हम लोगों को बाहर फेंक देती है। आपको लगता है कि हम इस टाइम वो उस पावर में है, उस मुकाम में है कि हम दुनिया को कहें कि भाई शट अप? हम कह सकते हैं। अच्छा। हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो काली भेड़े है ना, सबसे पहले उनको निकालना पड़ेगा, फिर हम खड़े होके, हम किसी भी फोरम पे खड़े होके हम कह सकेंगे शट अप, और हम अपने मजहब की और अपने दीन की और हम अपनी कौम की, सबसे बढ़ के हम अपनी कौम की जो है वो बेहतरी कर सकेंगे। अगर हम शट अप कॉल दे सकते थे तो UN के अंदर जब वोटिंग हुई इजराइल और फलस्तीन की, तो इजराइल के खिलाफ इंडिया ने वोट दिया, पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिया? नहीं, पाकिस्तान वोट, यही तो है, यही तो वो काली भेड़े हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो काली भेड़े, इन काली भेड़ों को यहाँ से निकालना पड़ेगा, और उनको उनको जिस जिस जगह पे वो बैठे हुए हैं, जिस जिस सौदे पे वो बैठे हुए हैं, उनको वहां से रिमूव करना पड़ेगा, और उनकी जगह पे हमें असल पाकिस्तानी लाना पड़ेगा।